देखिए मेटल सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं और मेटल्स में लग भी रहा है कि कुछ ना कुछ एक करेक्शन के बाद वापस से एक माहौल बनेगा। तो मैं VSSL और ये स्टॉक जहां तक मुझे ध्यान है मैंने जेन साहब के जेम्स में भी दिया है और जहां तक मुझे ध्यान है शायद ये SIP स्टॉक भी रहा हुआ है और सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया हुआ है ऐसा मेरा मानना है। तो VSSL देखिए वर्धमान ग्रुप है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही है। और रिसेंटली इन्होंने 2019 में टेक्निकल एग्रीमेंट किया आईजी स्टील कॉर्प से जो कि जापान की एक लीडिंग कंपनी है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया स्पेशलाइज फोर्जिंग्स में और कुछ स्टील ये लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होगा ईवीज के लिए जो कि आजकल सबसे बड़ा बजवर्ड है, ईवीज और हाइब्रिड कार्स, हाइब्रिड और ये सब के लिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरीके का वर्धमान स्टील का एक पेडिग्री है, जिस तरीके से वर्धमान स्टील ने परफॉर्मेंस दिया है और 9 के पी मल्टीपल पे है, प्राइस टू बुक भी 1.94 है, प्रॉफिट की कैगर पिछले अगर 5 साल के देखे तो 55% की रही है, सितंबर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा है, 9 करोड़ का पैट था पिछले सितंबर में उसके सामने 24 करोड़ का पैट और पिछले 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली कंपनी 20s में पैसा कमा रही है। तो अगर ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे देखें तो 100 करोड़ का पैट पिछले 1 साल में रहा है और मार्केट कैप देखिए उसके सामने 980 करोड़ की। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जैसा पास्ट में परफॉर्म किया और कुछ अब धीरे धीरे FIIs DIIs ये लोग तो है ही है और मुझे लगता है कि जो अगर हम नामचीने नामी ग्रामी कुछ रिटेल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो उनका भी नाम आता है तो उससे भी कॉन्फिडेंस काफी बड़ा आता है। और आईटी स्टील कॉर्पोरेशन जिसका मैंने नाम लिया वो भी 11.5% शेयर होल्डिंग इसमें रखती है। सो इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है, 309 के लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है उसके सामने आज अच्छा खासा करेक्टेड है तो मुझे लगता है कि 300 तक के लेवल्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। उसके लिए खरीदारी करनी है वर्धमान स्टील, वर्धमान स्पेशल स्टील, ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से राय। और अनिल जी 29 अप्रैल को SIP स्टॉक में भी हमने इसके बारे में बात करी थी, तब 180-190 के लेवल्स पर था, वहां से 300 के ऊपर भी गया और करेक्ट होकर अब वापस 245-250 पर अवेलेबल है सर वर्धमान स्टील।